नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तेजस्वी अनंत और लर्न टू जगल सीरीज इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जगलिंग सिखाने वाला हूं। जगलिंग का बेसिक पैटर्न क्या है, जगलिंग सीखने का स्टेप्स क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। और चलिए जगलिंग सीखते हैं। अक्सर लोगों को जगलिंग के बारे में ये गलतफहमी होती है कि जगलिंग का बेसिक पैटर्न ये है, पर इसे हम जगलर्स शवर कहते हैं और ये बेसिक पैटर्न नहीं है। जगलिंग के बारे में आप जानते हो तो ये जगलिंग का मोस्ट बेसिक पैटर्न है। तो चलिए सीखते हैं कि ये कैसे फंक्शन होता है। जब आप जगलिंग करते हो, जगलिंग का मोस्ट बेसिक पैटर्न ऐसे वर्क होता है कि जब आप पहले बॉल फेंकते हो और जब ये ऊपर आता है और ऑलमोस्ट नीचे आ रहा होता है, तब आप दूसरा बॉल फेंकते हो, और जब ये दूसरा बॉल टॉप में आया हुआ होता है, तब आपके हाथ में पहला बॉल आ चुका होगा, और ये जब नीचे आने शुरू हो जाएगा तब आप तीसरा बॉल फेंकते हो। तो ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होता है और you will get your most basic juggling pattern. तो juggling जब आप सीखोगे तो पहले आप थोड़ा ऊपर फेंकोगे तो थोड़ा आसान होगा, और इसमें most basic और most important thing ये है कि जब आप juggling करोगे तो आपको सिर्फ top most position में ही ध्यान रखना है। आपका ध्यान हाथों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर सिर्फ बॉल्स के जो टॉप मोस्ट पोजीशन है सिर्फ उसके ऊपर रहना चाहिए, और इसी से हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा जगलिंग सीखने से। हाँ, अगर आपको जगलिंग का बेनिफिट्स जानना है तो इस वीडियो में देखिए, और यहाँ पे आपको जगलिंग के बारे में सब कुछ पता चलेगा। जगलिंग से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके बारे में पता चलेगा। और जगलिंग सीखने के लिए जगलिंग बॉल थोड़ा खास होता है। ये नॉर्मल आम टेनिस बॉल या फिर कोई और बॉल नहीं है, और ये जगलिंग के लिए ही बना हुआ है। तो अगर आप अपने घर में जगलिंग बॉल बनाना चाहते हो और जगलिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जगलिंग बॉल बनाना कैसा है इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आप जगलिंग सीखना चाह रहे हो और सीख रहे हो तो टिप्स के लिए और ट्रिक्स के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक दीजिए, और आप अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगलिंग सीख सके और जगलिंग का जो बेनिफिट्स है वो अपने ज़िंदगी में ले सके। Thank you.